नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। और दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आज राजधानी हरियाणा भास्कर न्यूज़ में आई है। तो दोस्तों, यदि आप इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी के बारे में। विभागों को HSSC के पास भेजनी होगी सूचना। सरकार फिर करेगी ग्रुप डी की भर्ती, खाली पदों की लिस्ट मांगी। तो दोस्तों, ये है इसकी हेडलाइन और देखते हैं न्यूज़ के अंदर क्या क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि प्रदेश में ग्रुप डी के 18,212 पदों पर भर्ती में ज़्यादा पढ़े लिखे युवाओं के चयन से कई के ड्यूटी ज्वाइन न करने और कई के दूसरी भर्ती में जाने से अनेक पद खाली रहने की संभावना है। ऐसे में सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव विभाग कार्यालय की ओर से सभी विभाग, निगमों, बोर्डों, कॉरपोरेशन आदि की HOD के पत्र जारी कर ग्रुप डी के पद खाली पदों पर जारी कर ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजने के लिए कहा है, ताकि खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जा सके। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जल्द से जल्द खाली पद भरे जाएंगे और सभी विभागों को 28 फरवरी तक जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अगले माह है। कभी भी पिछली भर्ती में 8,000 युवा 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे चयनित हुए, जबकि इस पद के लिए योग्यता 10वीं पास ही रखी गई थी। अभी पुलिस की भर्ती भी चल रही है, इसलिए ग्रुप डी में चयनित युवाओं ने उसके लिए भी आवेदन किया है। यदि वे पुलिस में भर्ती हो गए तो ग्रुप डी की नौकरी छोड़ देंगे। साथ ही कुछ पद ड्यूटी ज्वाइन न करने के कारण खाली भी रह सकते हैं, तो आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सरकार नई भर्तियाँ उससे पहले शुरू करना चाहती है, ताकि प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े। तो दोस्तों, इसीलिए ये जो कि एक दो दिन पहले मैंने आपको नोटिस दिखाया था, वो नोटिस इसी से संबंधित था कि दोस्तों, जल्द से जल्द ग्रुप डी की भर्तियां आने वाली है मार्च के अंदर, और तैयारी में जुट जाइए अब की बार ग्रुप डी पार। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिले।